हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैशन टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आपको जो लेडीज सूट बनाते हैं उनके शोल्डर गिरने लग जाते हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि शोल्डर को गिरने से हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड गला लेडीज़ नहीं पहन पाती। दूसरी बात क्या है कि डीप नेक नहीं पहन पाते, तो आज वो सारे प्रॉब्लमों का सलूशन आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। ठीक है, इस वीडियो में बताने वाला हूं आज कि आपका जो शोल्डर गिरने का कारण है वो आज कैसे मैं आप लोगों के सामने यहाँ ख़त्म करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो अभी फ्रेंड नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने लोग हैं वो वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको नेक जैसे बनाते हैं आप वैसे बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक में आपको कुछ नहीं करना, नेक बना लीजिए। मैंने ये नेक बनाया हुआ है ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम कम बच सके। जैसे नेक ये होता है आम नेक, ये देखिए कितना डीप है गला, ये देखिए, ये डीप नेक मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये डीप नेक मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा गला है। ठीक है, आज मैं आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है तो वो है शोल्डर गिरने की, या हमारे तीरे गिरने लग जाते हैं, ये कंधी गिरने लग जाती है, वो प्रॉब्लम आज हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ये हमारा बैक का है और हमारा ये फ्रंट का है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बैक है और ये फ्रंट है। सेम हमें कंधी को उसी हिसाब से जोड़ना है जिस हिसाब से हम जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको चेंज क्या करना है, जैसे आप जोड़ते हैं वैसे आपको जोड़ना है। प्लस क्या करना है इसमें, जहां आपने सिलाई लगाई है इससे आधा इंच अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जो कंधी दबाई है आपने, यहां सिलाई लगाई है, ये देख सकते हैं सिलाई, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप सिलाई देख सकते हैं यहाँ लगी हुई है। उसके बाद ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ आधा इंच का या हमें एक पैर का यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक दिखा देता हूँ आपको चौक का निशान लगा करके, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। ये देखिए दोस्तों, ऐसे तिरछा कर लिया मैंने, ये एक पैर यहाँ जो सिलाई लगी है इससे एक पैर हमारा, ये चौक से ऐसे सिलाई लगानी है तिरछा, तिरछा करके सिलाई लगाएंगे तो शोल्डर आपका कभी गिरेगा नहीं, और ये जो शोल्डर के गिरने की प्रॉब्लम है ये आपकी खत्म हो जाएगी। तो बस ये देखिए, ज़्यादा दबाव लेके यहाँ कान खड़े हो जाएंगे, इतना भी दबाव नहीं लेना कि आप बहुत ज़्यादा दबाव ले लें यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल इस हिसाब से दबाव लेना है कि आपका शोल्डर भी एक तिरछा ना दिखे और आपकी कंधी गिरने की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने ये एक पैर का दबाव लिया, जहाँ तक ये इतना दबाव बहुत है आप लोगों के लिए, आप लोग सूट बनाते हैं तो इतने दबाव से आप अपने शोल्डर की गिरने की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा के दिखाऊँगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैंने तिरछी करके सिलाई लगा दी यहाँ पे दोनों साइड में, दोनों कंधे जो हैं इक्वल रखिए, ये देखिए ये तिरछी करके मैंने सिलाई लगा दी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको जो तिरछा आधा यहाँ पे आपको जैसे आधा इंच दबाया था ऐसे दबाओ, आधा इंच ही लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और जो फालतू का कपड़ा आएगा तिरछा करने के बाद, जो फालतू का कपड़ा आएगा उसको आपको कट करके हटा देना है। तो ये इस तरह से आप अपनी जो तीरा या कंधी गिरने लग जाती है ये प्रॉब्लम को आप बिना डोरी के अपने गले में बहुत ही सुंदर फिटिंग दे सकते हैं गले की, और कंधी गिरने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर में भी वीडियो सॉरी सूट को बना सकते हैं,
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे तो मैं कहता हूँ 100% आपका ने जो है प्रॉब्लम 100% सॉर्ट हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इस तरह से बनाइए। और एक तरीका बताऊँगा आपको, अगर इस तरीके से भी आप लोगों की ज़्यादा दिक्कत आती है तो एक और तरीका बताऊँगा आपको वीडियो में। ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वो प्रॉब्लम भी आपको आ रही है, तो मैं ज़रूर वीडियो उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका शोल्डर गिरने का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और 100% आपके सूट के जो कंधा गिरते हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरह से दोस्तों अपने घर में भी आप जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें आपके अपने चैनल फैशन टिप्स में। और ऐसी फैशन से रिलेटेड वीडियो लेके के आता रहता हूँ मैं अपने चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।